Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today a new topic that is called application of integration, or it is popularly called area under the curve. तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है. आप उम्मीद रखें कि इसमें बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसमें बहुत सारी दिमागी कसरत भी होनी है. तो उम्मीद है कि आपको मजा आएगा. आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिए गए हैं सब्सक्राइब का, उस पर जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल है उसको भी एक बार क्लिक करें ताकि आपको ये वीडियो जो नई आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो अब शुरू करते हैं. शुरू करने से क्या है कि सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व. इसमें कर्व को पहले बनाना बहुत ही आसान काम नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल काम है और उसको पहले सीखते हैं कि कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं. और कर्व को ड्रॉ करने के मेथड को कहते हैं कर्व ट्रेसिंग. क्या कहते हैं इसको? कर्व ट्रेसिंग. तो आइए देखें कर्व ट्रेसिंग है क्या. कर्व ट्रेसिंग, ट्रेस करना, राइट ना. सो इसको हम कहते हैं कर्व ट्रेसिंग. व्हाट इज दिस and what to do. So few important points are very very important. You must try to understand them before proceeding ahead. क्या क्या है points वो देखते हैं. सबसे पहले हम पहला point लिखते हैं. If the equation of curve has no independent constant. Independent constant term, constant term, then curve must pass through the origin. Then curve must passes through origin, must pass through origin, passes through origin, through origin. अगर कोई independent constant नहीं है तो कर्व ओरिजिन से पास करेगा. और ये भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, देन कर्व मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन. कर्व will pass through origin, will pass through origin, through origin, right? इसका मतलब है कि ऐसा कोई चीज, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल ले हम कि y is equal to 2x, तो ये क्या होगा? एक लाइन होगा, इसमें x जीरो, y जीरो सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसा कोई इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है. What is meaning of independent constant? अगर ऐसा होता y is equal to 2x plus 5, 2x plus 3, 2x minus 1, तो ये satisfy नहीं करता, ये origin से pass नहीं करता. लेकिन अगर ऐसा है तो ये कब y is equal to 2x का है, ये कब ऐसा होगा और ये होगा y is equal to 2x. इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होगा. आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, और इधर में x डैश है, इधर में y डैश है, लेकिन ये ओरिजिन है तो यहां से पास करेगा करेगा. तो कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा. ऐसा ही कुछ और अगर हम ले लें एक दो एग्जांपल, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 एटसेट्रा. ये जितने भी इक्वेशन हैं ये सारे के सारे ओरिजिन से पास करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स जीरो और वाई जीरो रखने के बाद ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है मान लीजिए, तो ये क्या होगा? ये इक्वेशन होगा पैराबोला का. वाई का पावर इवन है तो ये एक्स का सिमेट्रिकल होगा, ऐसा पैराबोला होता है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का. हम ये मान लें कि एक छोटा सा ये है y, ये है x, इधर x डैश और इधर y डैश, ठीक है. तो ये पैराबोला कैसा होगा? तो ये पैराबोला जो होगा वो ऐसा होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का. इसी तरह से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का पैराबोला अगर हमें ड्रॉ करना है
तो वो पैराबोला कैसा होगा? वो पैराबोला ऐसा होगा, ये ऐसा होगा पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पैराबोला हो, चाहे वो एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई का हो, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का हो, ये क्या है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स का हो, हर हालत में ये जो पैराबोला मिलेंगे, ये सारे के सारे कहां से पास करेंगे, ये सारे के सारे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है फोर वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई का ये है पैराबोला, ये ऊपर बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये पैराबोला जो है ये सब ओरिजिन से पास करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को जैसे ही देखेंगे कि क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हाँ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना चाहिए, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, सेक्शन ऑफ कर्व ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑन वाई एक्सिस, राइट ना। सिमिलरली पुट वाई इज इक्वल टू जीरो टू गेट इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन टू पुट टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, सेक्शन ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। हाउ इज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हमें लिखा है कि 3x plus 4y is equal to 12, 3x plus 4y is equal to 12, एग्जाम्पल लिया हमने। अब ये कर्व कहाँ पे कट करें, कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन भी एक काइंड ऑफ कर्व है, तो इसको कहाँ पुट करें, कैसे पता चले कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये बात पता करने के लिए हमने क्या किया, अगर पुट कर लूं x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, y is equal to 4 आ जाएगा, y is equal to 3 आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो 4y is equal to 12 हो जाएगा, y is equal to 3 आ गया। सिमिलरली अगर y is equal to हम पुट कर लें, क्या y is equal to 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, y 0 पुट करने से 3x is equal to 12 यानी x is equal to 4 हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हुआ वो कैसा हो जाएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऐसा कि ये अगर हमने मान लिया कि ये है और ये जीरो है, इधर में वाई एक्सिस और इधर में ये एक्स डैश, इधर में एक्स एक्सिस मान ले, इधर में वाई डैश मान ले, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये अगर पैराबोला की बात, स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये एक्स जीरो वाई थ्री, एक्स जीरो वाई थ्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो एक्स जीरो वाई थ्री एक्स फोर वाई जीरो, तो ये जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, राइट ना, एक्स जीरो वाई फोर, ये देखिए ये होगा, तो कुछ इस तरह का, सॉरी कुछ इस तरह का होगा, ये लाइन होगा, यहाँ पे एक्स जीरो है, ए वन टू और ये थ्री, तो ये जीरो थ्री हो गया, कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे फोर है, तो ये वन टू थ्री और फोर, ये हो गया जीरो फोर जीरो, फोर कॉमा जीरो, एक्स जीरो फोर वाई जीरो, और इधर में हो गया एक्स जीरो वाई थ्री, ये आपका पॉइंट है वन टू और ये थ्री, इधर में वन टू और थ्री और ये फोर। तो इस तरीके से लाइन ऐसा बनेगा, ये एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कर्व जो है वो कट करेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कर्व कैसा होगा। चलिए अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट ये है थर्ड कि हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि कर्व किस तरह से होगा, कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा। तो इस बात के लिए क्या हेल्प देता है, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ये हमने शॉर्ट लिखा है, चलिए पूरा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, नाराज ना होइए, इक्वेशन ऑफ कर्व
contains even power of x, contains even power of x, power of x, it must be symmetrical about y-axis. It must be symmetrical about y-axis. अगर x का पावर इवन है तो y के सिमेट्रिकल होगा. क्या इसका मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, ये एक हो गया. यहाँ पे देखिए x का पावर इवन है और y के का नहीं है, तो x का पावर इवन है तो ऐसा कर्व जो होगा वो क्या होगा, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा. इसका मतलब अगर मैं इसे कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, थोड़ा ढंग का नहीं खिंचाया है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना. और अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे है ये y डैश, ये x डैश, x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, है ना, ये पैराबोला होगा. तो ये पैराबोला जो होगा ये इस तरह का, ये कर्व होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई का. इसका मतलब ये है कि पहली चीज जो हमने सीखा था वो ये था कि अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये कहाँ पास करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है. जो बात पहली कंडीशन हमने सीखी थी वो सेटिस्फाई कर रहा है. हेयर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व. इसका मतलब हुआ ये कि इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, चलिए ठीक से लिख देता हूं, मस्ट पास थ्रू थ्रू ओरिजिन, राइट. और सिंस इवन पावर ऑफ एक्स तो मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. क्या मतलब हुआ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का? मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, लिटरल मीनिंग सिमेट्रिकल का मतलब लुक लाइक सेम, लुक लाइक सेम. सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री, अबाउट वाई एक्सिस मीन्स लुक लाइक सेम, लुक लाइक सेम, लुक लाइक सेम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, लुक लाइक सेम. सो वाई इट इज लुक लाइक सेम इन बोथ द साइड्स अबाउट वाई एक्सिस, मतलब अगर इसको पूरा का पूरा क्या कर लिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, इस पूरी कर्व को y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे. अगर ऐसा होगा, ये अगर पूरी कर्व को मैं इस पर रोटेट कर दूं y एक्सिस के अबाउट, तो ये पूरी कर्व इस पूरी कर्व पे आनी चाहिए. तो ये सिमेट्रिकल अबाउट, इसको कहते हैं सिमेट्री, मीन्स लुक लाइक सेम अबाउट बोथ y एक्सिस, y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए. तो इससे पता चल जाता है कि ऐसा होगा. अब इसमें अगर x इज इक्वल टू जीरो हम पुट करें तो y एक्सिस पे कोई दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता एक्सेप्ट ओरिजिन, y इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो कोई दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता एक्सेप्ट ओरिजिन. इसका मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही एक्सिस पे ओरिजिन के सिवाय कहीं और ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये कब ओरिजिन के सिवाय y एक्सिस पे कहीं और इंटरसेक्ट नहीं करता है और दोनों तरफ एक जैसा है. बाकी एक दो वैल्यू और रख के आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऐसा पैराबोला का इक्वेशन बनेगा. सिमिलरली अगर हमने कहा कि इवन पावर ऑफ एक्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इवन पावर ऑफ वाई सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा. सो लिख लेते हैं इसको भी, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन, इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन्स इवन पावर ऑफ वाई, even power of y, it must be symmetrical about x-axis, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कोई, ये देखिए, ये अगर मैं करूं, ये पैराबोला हो गया, राइट, ये भी एक पैराबोला है,
ये भी एक पैराबोला है और इस पैराबोला की मैं थोड़ा ढंग से इसको ड्रॉ कर दूं, एक मिनट इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश, ये है एक्स एक्सिस और इधर लिख देते हैं एक्स डैश। अब यहाँ पे एक पैराबोला हमें ड्रॉ करना है जो इसके सिमेट्रिकल हो, तो ऐसा पैराबोला होगा, ये पैराबोला हुआ और इस पैराबोला का नाम हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, इस तरह का होगा, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक्स का पावर इवन है तो ये वाई के सिमेट्रिकल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन, राइट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन एटसेट्रा, ये सारे जो होंगे ये सबके सब क्या होंगे, y के सिमेट्रिकल होंगे। यहाँ भी x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड देयर फोर इट पासेज थ्रू ओरिजिन, इट मस्ट पासेज थ्रू ओरिजिन, ये बात पता चल रही है, पास थ्रू ओरिजिन, पासेज थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन लिख देता हूँ, थ्रू ओरिजिन, ये बात पता चल रही है। और ये भी पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो पुट करने से ओरिजिन के सिवाय कहीं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कर्व ओरिजिन के सिवाय कहीं और पास नहीं कर रहा है, और x का पावर इवन है तो y के सिमेट्रिकल है, इसका मतलब y एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही y एक्सिस के नीचे, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि दोनों का पावर इवन हो तब क्या करेंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन्स इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, देन इट मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट, इट मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, ठीक है, इट मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। इसका मतलब हुआ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये ले लूं कि एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन, अब इस कर्व को ट्रेस करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, That means curve will not pass through origin. दूसरा काम क्या करते थे, दूसरा काम करते थे कि x is equal to zero put करते थे point of intersection on y axis निकालने के लिए, तो y square is equal to nine यानी y is equal to plus minus three हो गया। इससे ये पता चला कि curve जो है वो three zero zero three और zero minus three पे intersect करेगा y axis को, that is curve will intersect, curve will intersect y एक्सिस एट टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स 0,3 एंड 0,-3, ठीक है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब जो तीसरी बात है वो क्या है, तीसरी जो बात है वो ये है कि आप यहां पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो क्या मिलेगा, x square by 4 is equal to 1, that is x square is equal to 4, means x is equal to plus minus 2, इसका मतलब हुआ कि that is 2 0 and minus 2 0 are the two point of intersection, are the two point of intersection on x axis, point of intersection on x axis, ये पता चल गया, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा कि x का पावर भी इवन है और y का पावर भी इवन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कर्व जो होगा वो कैसा होगा। तो आप अगर कर्व को ड्रॉ करें, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर एक कर्व को ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व जो होगा वो ऐसा होगा कि
इस तरह का होगा और ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 और इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी ऐसा, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये कर रहा है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को 0.3 और 0.-3 पे, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, ये 2.0 और -2.0 ऐसे, ये एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया, ये वाई और ये वाई डैश, इसको लिख सकते हैं वाई डैश, तो ये वाई डैश हो गया, राइट। अब यहां पे ये है ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन ओ, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 0.3 और ये पॉइंट हो गया 0.-3, तो इससे पता चल गया कि दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए तो ऐसे, तो पूरा ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है वो पूरी ये लाइन कवर कर लेगी, यानी इसको अगर रोटेट किया जाए एक्सिस के अबाउट तो ये पूरी लाइन जो है इस पूरी लाइन को ओवरलैप कर लेगी, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए तो यानी ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन को ओवरलैप कर लेगी। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो एक एरिया निकाल करके और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब भी ऐसा करना होगा तो हम एक एरिया निकालेंगे और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फायदा होना है, और कर्व कैसा बनेगा ये पता चल जाता है ना। अब दूसरा चीज देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई को इंटरचेंज कर दिया जाए, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई डू नॉट रिप्लेस, डू नॉट एक्स इज इक्वल टू वाई, चाहे ऐसे लिख देता हूं, इफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज इंटरचेंज बट इक्वेशन इक्वेशन विल नॉट चेंज विल नॉट चेंज, एक्स एंड वाई इंटरचेंज बट इक्वेशन विल नॉट चेंज, देन कर्व मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल, और इसी तरह से ये कहें कि सिमिलरली, इसी में लिख देता हूं, सिमिलरली इफ एक्स इज इक्वल टू -y इंटरचेंज बट इक्वेशन ऑफ कर्व विल नॉट चेंज, इक्वेशन ऑफ कर्व विल रिमेन इंटरचेंज देन कर्व मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई इज इक्वल टू -x और एक्स इज इक्वल टू -y, द सेम थिंग, देन कर्व मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई इज इक्वल टू -x, राइट, कर्व मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू -x, गॉट इट। तो इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यह हुआ कि कर्व ट्रेसिंग के लिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, आसान से एग्जांपल है, आप सब लोगों को पता है कि सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्यों है और कैसा बनेगा। अब यहाँ एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई आ जाएगा +-2, वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा +-2। इससे पता चलता है चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया जी, और ये क्या है कि एक्स का पावर इवन है, वाई का पावर इवन है, तो दोनों के सिमेट्रिकल भी है, और 0-0 रखने पे ये सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये दोनों के सिमेट्रिकल है। तो अब हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं, कर्व ट्रेसिंग में क्या होगा कि ये एक सर्कल होगा, सॉरी
पुटाई बनाते हैं, ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, ये सर्कल होगा राइट। और यहाँ पे क्या होगा, सर्कल में मान लेते हैं सर्कल है, सर्कल है नहीं लेकिन फिर भी सॉरी सर्कल है नहीं लेकिन अरे क्या हो रहा है सॉरी ये मान लिया हमने सर्कल है, तो यह है वाई एक्सिस, यह है एक्स डैश, यह है एक्स और यह है वाई डैश, ठीक है, यह है ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ है जी, तो 2.0 एंड -2.0, ये हो गया कहाँ 2.0, ये हो गया -2.0, ये हो गया 0.2 और ये पॉइंट क्या हो गया 0.-2, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें हमने कहा कि इसके सिमेट्रिकल तो है, इस बात का क्या फायदा हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए, y की जगह पर x और x की जगह पर y रख दिया जाए, डू यू थिंक द इक्वेशन विल चेंज, क्या इक्वेशन चेंज होगा, नहीं नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x भी है, यानी ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लाइन ड्रॉ करना, ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू x, इसके सिमेट्रिकल है। इसी तरह से x के जगह पे माइनस वाई और y के जगह पे माइनस एक्स रख दिया जाए तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इस लाइन के भी सिमेट्रिकल है, ये है लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, इसके भी सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों के सिमेट्रिकल है, मतलब जितना इधर निकाला जाए उतना ही इधर होगा, इस लाइन के अबाउट भी अगर रोटेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरी चीज जो है वो 8 सेगमेंट में बांट दिया, ये इस पूरी चीज को ये जो है 8 सेगमेंट में बांट दिया, जैसा इधर है इतना है उतना ही इधर भी है, 1 सेगमेंट का अगर हम एरिया निकालें और ये पूरे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबका निकल जाएगा, सब एरिया बराबर होगा। इसका मतलब है सिंस इट इज सिमेट x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स विल नॉट चेंज द इक्वेशन एंड देयर फोर इट मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द लाइन एज वेल। सो कितनी सिमेट्री हो गई, यहाँ पे सिमेट्री हो गई अबाउट x एक्सिस। आप अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिमेट्री किसके किसके अबाउट है, सिमेट्री है सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस है ना, एंड अबाउट लाइन, कुछ लाइन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो दीज आर द सिमेट्री। और इससे आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा कि हमें इक्वेशन कैसा होगा, कर्व कैसा होगा, इस बात का पता चल जाएगा, और जैसे ही इस बात का पता चल जाएगा तो एरिया निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ऐसा लगता है। कर्व ट्रेसिंग के लिए और भी बहुत सारे फंडे हैं, जैसे जिमटोट और बाकी सारे कर्व के नेचर के बारे में कि सूप कैसे बनेंगे, कस्प कैसे बनेंगे, लेकिन वो सब चीजें जो है वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जरूर। सो फिलहाल आप ये समझिए कि कर्व ट्रेसिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक लेवल पे वो इतनी नॉलेज की जरूरत होती है, और इतनी नॉलेज अगर हो तो हम जो जनरल कर्व है उनको ट्रेस कर सकते हैं, और एक बार कर्व ट्रेस कर लिया तो फिर एरिया किसका निकालना है उस पर डिपेंड करेगा और हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि इतनी बात कर्व ट्रेसिंग में आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको याद कर लेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं और समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और आगे से जब कर्व ट्रेस करना होगा तो आप इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम भी करेंगे, आप ही क्यों हम भी करेंगे, और मिलजुल के करेंगे और देखेंगे कि कैसे कर्व बनाते हैं और फिर उसके बाद एरिया निकालने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग, और इसी तरह से आप वॉच करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग सुनते हैं इसको, समझते हैं और सीखते हैं, तो बड़ा आत्मीय खुशी होती है। वी आर डिलाइटेड।
and happy to help. So if you have any problem, you just write to us at arvindsinghacademy@gmail.com. And if you want some questions of any type questions, then you can visit our website www.arvindsinghacademy.com, and you will be able to get more and more questions, material, theory, everything is there. So you can download and you can utilize it. So thank you. God bless. Keep watching.